हेलो वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन यू ऑल वेलकम इन इंग्लिश ग्रामर क्लास विद पंकज सर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल आल्सो कंटिन्यू अवर प्रोनाउन टॉपिक। जैसे लास्ट टाइम बताया था हमने, और लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, और उसमें तब हमने बोला भी था कि इन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन का भी यूज़ होता है। प्रेपोजिशन का यूज़ होते ही इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, ज़्यादा वेट नहीं लेते, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, ये पढ़े हमने। अब इनके आगे है रिलेटिव प्रोनाउन विथ प्रेपोजिशन। रिलेटिव प्रोनाउन विथ प्रेपोजिशन, इसमें तीन जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनके अलग अलग प्रकार बनते हैं प्रेपोजिशन जोड़कर। जैसे हुम हुआ, फिर हुज हुआ और विच, राइट? फिलहाल तो बोर्ड पे हमने विथ और हुम लिखा है, विच भी आगे पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला है विथ हुम। विथ हुम, विथ हुम मतलब क्या होता है? जिसके साथ। देखो, हमारा जो हुम के बाद फिलर्स हमने आपने देखा, हमने लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा, राइट? फॉर्मूले में क्या देखा हमने? हुम तो पर्सन के लिए यूज होता ही है, प्लस हुम के बाद प्रोनाउन आता है, जैसे कि आई, वी, पर्सनल प्रोनाउन आता है, आई, यू, आई, वी, यू, ही, सी, इट, देम, या कोई नाम। ओके, तो यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा, बस उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि दिस इज द पर्सन विथ हुम आई वर्क। विथ हुम, यह वो इंसान, यह वो व्यक्ति है विथ हुम आई वर्क, जिसके साथ मैं काम करता हूँ। विथ हुम आई वर्क, विथ आई इसलिए के साथ, जिसके साथ। आगे, इन हुम, जिसमें या जिन पर, उस तरह से भी मीनिंग होता है। देखो आगे, मिस्टर शाह इज अ पर्सन। मिस्टर शाह एक ऐसे इंसान है इन हुम आई हैव अ ग्रेट फेथ, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। इन हुम, उन पर, उनमें, मतलब इन हुम आई हैव अ ग्रेट फेथ, जिनमें मुझे पूरा भरोसा है। ओके, टू हुम, जिसे या जिसके तरफ, जिसे मतलब जिसे कोई व्यक्ति को या जिसके तरफ। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज द ऑफिसर टू हुम, ही इज द ऑफिसर टू हुम आई हैव सेंट एन एप्लीकेशन, कि जिसे मैंने आया है। देखो, इधर भी पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन, और व्यक्ति सूचक है। ही इज द ऑफिसर टू हुम, जिसे या जिसके तरफ आई हैव सेंट एन एप्लीकेशन, जिसे मैंने एप्लीकेशन सेंड किया है। ओके, तो ये हुआ। आगे देखो, इजी है, बस समझने की जरूरत है आपको कि मीनिंग आ रहा है। ये जब जॉइन द सेंटेंस रहेंगे ना, तब अलग अलग रहेंगे। जैसे देखो, पहला वाक्य का हम अलग अलग सेंटेंस करते, दिस इज द पर्सन फुल स्टॉप आई वर्क विथ हिम। मान लो कि अगर सेंटेंस ऐसा होता है, आगे अगर दो वाक्य अलग अलग रहते ना, तो समझना कैसे आएगा? दिस इज द पर्सन फुल स्टॉप आई वर्क विथ हिम, यह एक इंसान है, मैं इनके साथ काम करता हूँ, तो मैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दिया है, दिस इज द पर्सन विथ हुम आई वर्क, तो ये विथ हिम हट गया। ओके, जैसे हमें लास्ट में दो वाक्य जोड़े, दो वाक्य का हमने एक जोड़ा, राइट? तो यहाँ पे भी दो अलग अलग वाक्य ऐसे बनते हैं, जो हम जब सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, वाक्य को ज्वाइन करने वाला पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। ओके, आगे देखो फिर, फ्रॉम हुम, जिसके पास से। फ्रॉम हुम मतलब जिसके पास से। जैसे कि देखो एग्जांपल, मिस्टर आनंद इज अ पर्सन। मिस्टर आनंद ऐसे एक इंसान है फ्रॉम हुम, जिनके पास से यू हैव लर्नड अकाउंट, जिनके पास से तुमने अकाउंट पढ़ा है ना, यस, जिनके पास से, राइट? ऐसे बहुत सारे वाक्य बनते हैं। ओके, लास्ट देखो, हुम में थ्रू हुम, जिसके द्वारा या जिनके द्वारा, कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ, थ्रू हुम, जिसके द्वारा यू हैव सेंट गिफ्ट, जिसके द्वारा तुमने गिफ्ट भेजा है, उस लड़के को बुलाओ, जिसके द्वारा। देखो, बाय हुम नहीं आएगा यहाँ पे, राइट? थ्रू हुम, जिसके द्वारा, राइट? बाय हुम भी लिख सकते हो आप मीनिंग के तौर पे, वो भी सही बैठ रहा है, नो डाउट, राइट? थ्रू हुम यू हैव सेंट गिफ्ट,
सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, मीनिंग जिस प्रकार हमने बोला उस मीनिंग को भी ध्यान से समझना हो और समझ में आ जाएगा आपको. ओके तो दीज आर हुम. अब हम पढ़ते हैं हुज का. विथ हुज जिसके साथ. अब देखो विथ हुज जिसके साथ, जबकि यहाँ पे विथ हुम का भी मीनिंग क्या हुआ, जिसके साथ. लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन आया था आई वी यू राइट, और जबकि यहाँ पे रिलेशन आएगा. देखना देखो विथ हुज मतलब जिसके साथ. द मैन विथ हुज सन आई वॉज प्लेइंग इज अ डॉक्टर. वो आदमी जिसके बेटे के साथ, जिसके बेटे के साथ देखो रिलेशन बताया, जिसके बेटे के साथ मैं खेल रहा था वह डॉक्टर है. वो आदमी जो डॉक्टर है जिसके बेटे के साथ मैं खेल रहा था, या तो आप ऐसे ही बोलते हो वो आदमी जिसके बेटे के साथ मैं खेल रहा था वह एक डॉक्टर है. ओके फॉर हुज जिसके लिए, संबंधित दर्शाता है यहाँ पे. देखना एग्जाम्पल द वूमन फॉर हुज डॉटर, वो औरत जिसकी बेटी के लिए आई वॉज बाइंग टॉय, जिसकी बेटी के लिए मैं खिलौने खरीद रहा था इज अ फेमस पोइट, इज वो एक प्रसिद्ध कवयित्री है, पोइटी से कवयित्री है राइट. तो जिसकी बेटी के लिए, देखो इनके बाद रिलेशन आ रहा है. ओके हमने हुज के बाद क्या क्या आता था पढ़ा था हमने, नॉन लिविंग थिंग आता है, रिलेशन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है. ओके तो आप देख सकते हो इन हुज जिसकी खाली जगह में राइट, जिसकी खाली जगह में, जैसे द यंग मैन इन हुज ऑफिस आई वॉज एंटरिंग वॉज अ पॉलिटिकल लीडर. वो आदमी जिसकी ऑफिस में, जिसकी ऑफिस में, अब ऑफिस लिखा है राइट, तो ये ऑफिस किसकी हुई, उस यंग मैन की. ओके देखना द यंग मैन इन हुज ऑफिस, या वह यंग आदमी जिसकी ऑफिस में आई वॉज एंटरिंग, में प्रवेश कर रहा था वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, वो एक राजनीतिक नेता है. जिसकी ऑफिस में याद रखना, बाय हुज जिसके द्वारा, मतलब ये भी कोई वस्तु के द्वारा राइट. द मैन बाय हुज लेटर, जिसके लेटर के द्वारा आई वॉज अपॉइंटेड, मुझे निम्नुक किया गया, मुझे रखा गया जॉब के लिए, वॉज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, वो एक रिस्पेक्ट सम्माननीय इंसान था राइट. जिसके लेटर के द्वारा, द मैन बाय हुज लेटर, तो मैन भी आया ही, बाय हुज लेटर नॉन लिविंग थिंग भी आता है राइट. तो ये था हुज के प्रेपोजिशन के साथ, ये जो प्रेपोजिशन जोड़े ना इनका मीनिंग्स के आधार पे, इनको प्रेपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है राइट. जैसे यहाँ पे भी जोड़ा है विद, इन, टू, फ्रॉम, थ्रू, ये सब प्रेपोजिशन जोड़े. ओके आगे हम पढ़ते हैं विच का प्रयोग. जैसे हु, जैसे हुम और हुज में प्रेपोजिशन जुड़ा, वैसे विच में भी प्रेपोजिशन जुड़ते हैं. जैसे देखो विथ विच जिसके साथ, मतलब कोई वस्तु व्यक्ति या प्राणी के साथ. जैसे एग्जांपल देखो माय ब्रदर गैव मी अ पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दी. विथ विच आई रॉट माई लेटर, जिसके साथ मैंने अपना पेपर लिखा. किसके साथ, उस पेन के साथ, मतलब उस पेन से राइट. विथ हुज मतलब जिसके साथ भी होता है और जिससे भी होता है, जिससे मैंने लिखा. ओके इन विच मतलब जिसमें राइट. जैसे आई फाउंड अ बुक, मुझे एक किताब मिली. आई फाउंड अ बुक इन विच देर वर द फोटोज ऑफ एक्टर, मुझे एक किताब मिली जिसमें राइट, जिसमें एक्टर्स के फोटोग्राफ्स थे, एक्टर्स के, हीरोज के फोटो थे. फॉर विच जिसके लिए, देखो आंसर देखो मीनिंग फिनिंग, ये फिलअप आपको याद रखना है. ऐसे फिलअप हम वीडियो के अंत में एक इमेज शेयर करेंगे, वीडियो में जुड़ा रहेगा वो, तो वो देखना, वहाँ पे आपको फिलअप समझ में आएगा. तीन ऑप्शन भी रहेंगे ब्रैकेट में, तो आपको इजीली फाइंड आउट होगा. फॉर विच मतलब जिसके लिए, दिस इज द इंस्टीट्यूशन फॉर विच वी डिमांड डोनेशन, यह वो संस्था है जिसके लिए, किसके लिए, उस संस्था के लिए हम डोनेशन की डिमांड कर रहे हैं. ओके तो फ्रेंड अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन में सच एज और सेम एज का भी प्रयोग देते हैं. सच एज मतलब जैसा डॉट डॉट की, जैसा कि, जैसा ही मतलब, जैसा कि, जैसे कि आई वॉन्ट सच अ बुक, आई वॉन्ट सच अ बुक एज ही हैड, मुझे ऐसी किताब चाहिए जैसे कि उसके पास थी. आई वॉन्ट सच अ बुक, मुझे ऐसी किताब चाहिए जैसे कि उसके पास है, थी राइट. उसके जैसे चलेगी, वही चाहिए ऐसा नहीं, उसके जैसी किताब चाहिए जैसे उसके पास थी.
छोटे बच्चे होते ना वो जिद करते कि भाई उसके पास जैसे खिलौना था वैसा ही मुझे चाहिए, मतलब वही चाहिए ऐसा नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा भी मिल जाएगा ना तो भी बच्चे खुश हो जाएंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल वैसा ही, आई वॉन्ट सच अ बुक एज ही हैड, मुझे ऐसी किताब चाहिए जैसे उसके पास है। ओके, सेम एज, जैसा कि, अब सेम एज मतलब बिल्कुल वही, सेम जैसे, दिस इज द आता है इसलिए निश्चित हो जाता है वो, सेम के आगे द आता है याद रखना, दिस इज द सेम कार एज आई हैड सीन नियर द टेम्पल, ये तो वही कार है जो हमने या जो मैंने मंदिर के पास देखा था, सेम वही है, दिस इज द सेम कार एज आई हैड सीन नियर द टेम्पल, तो द सेम का यूज हुआ, द सेम एज का यूज हुआ, याद रखना, कभी सच की फिलअप आएगी, कभी एज की फिलअप आएगी, सेम की फिलअप आ सकती है। आगे देखो लास्ट में हमने क्या लिखा है, सच, ये जो कुछ सच है, लेकिन अगर दैट जोड़ा जाए ना तो दैट के बाद का वाक्य परिणाम सूचक होता है, जैसे कि ही इज सच अ क्लेवर बॉय, ही इज सच अ क्लेवर बॉय दैट एवरीबॉडी लाइक्स हिम, कि हर कोई उसे पसंद करता है, तो दैट के बाद वाला वाक्य कैसा हुआ, परिणाम सूचक, सो दैट जैसा वाक्य होता ना वैसा ही सच दैट के बाद का वाक्य परिणाम सूचक होता है, जबकि सच एज के बाद का वाक्य परिणाम सूचक नहीं होता, ये डिफरेंट है दोनों में। ओके, सो फ्रेंड्स इतना याद रखना इस टॉपिक में, इसके रिलेटेड हम फिलअप शेयर करेंगे आपको और हमें आंसर सही से सेंड करना। ओके, वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, सी यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।